वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में प्रियंका चोपड़ा पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं को 7 बजे के बाद डर लगता है, क्या यही सच्चाई है? पुलिस अधिकारी हैं, जवाब सुनकर हैरान हुए और उन्होंने हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में ले गए। और बता दें आपको कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत आई थी और अपने इस छोटे से ट्रिप में वो कई जगहों पर गई हैं और इनमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर भी शामिल है और यूनिसेफ के गुडविल ब्रॉड और इसके साथ ही असेंबल के होने के नाते ही प्रियंका लखनऊ आई और बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी को लेकर किए गए कामों का जायजा लिया और इसके बाद वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही 24/7 हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम भी गई है और जहां कंट्रोल रूम में उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने पुलिस ऑफिसर से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की। 7 बजे के बाद महिलाओं को तो अभी भी यूपी में डर लगता है, क्या यही सही है? प्रियंका की बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर उन्हें जवाब देते हुए उन्हें कॉल ट्रेनिंग के यूनिट के ही अंदर ले गए और बताते हैं कि यहाँ हमारे पास कॉल ट्रैकिंग की पूरी टीम है और जो पुलिस ऑफिसर नहीं है या बाहर से लाए गए हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोताही बरती जाए। पुलिस कई बार मामले को बढ़ाने की कोशिश करती है, इसलिए हम न्यूट्रल माहौल रखना चाहते हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा पहुंची है और पुलिस ने भी उनको दिखाया है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए महिला हैं प्रियंका चोपड़ा खुद एक और ब्रांड एम्बेसडर भी कई कंपनियों के हैं जी। और लखनऊ में उनका दौरा था और दौरे में जो यूनिसेफ को लेकर के जो कार्यक्रम था महिलाओं को लेकर के, तो जब बाल सुरक्षा संगठन में पहुंची थी तो वहां पर एक आईपीएस रैंक के जो महिला अधिकारी हैं उनसे जब ये बात बोला गया कि 7 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को डर लगता है, वो बाहर नहीं निकलती, क्या ये सच है? इसको लेकर अधिकारी बड़े हैरान हुए क्योंकि मौके पर मीडिया भी थी। तो आईपीएस रैंक की महिला अधिकारी तत्काल प्रियंका चोपड़ा को वुमेन पावर लाइन की ट्रैकिंग के अंदर ले जाती है और उनसे समझाने का प्रयास करती है कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे हाईटेक इंतजाम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपकरण हैं जो महिलाओं को लेकर के सुरक्षा के लिए गंभीर की तौर पर हम लोग काम करते हैं और किसी भी वुमेन पावर लाइन में अगर कोई कंप्लेन आती है तो महिलाओं के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के इस सवाल के 2 मायने हैं। प्रियंका चोपड़ा ने पूछने की कोशिश की है क्या ये सच है, दूसरा उन्होंने इशारों में ये बात समझाने की कोशिश की क्या ऐसा होता है, अगर होता है तो आपकी क्या तैयारियां। इसको लेकर के प्रियंका चोपड़ा ने ये जो सवाल किया है ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दा बन गया। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के पूछने का नजरिया भले ही कुछ और हो लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे से जो विपक्ष है, जो राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए एक एजेंडा हो गया और एजेंडे के तहत प्रियंका चोपड़ा के इस सवाल पर अब जो है उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है और इसको निशाने पर लिया जा रहा है। तो ये एक उनको ये उम्मीद नहीं थी, आईपीएस अधिकारी जो मौके पर निरीक्षण करा रही थी कि शायद वो मीडिया के सामने से सवाल पूछ लेंगी, सवाल का नजरिया कुछ भी हो लेकिन महिलाओं को मुद्दे को लेकर के सवाल था, ये इसलिए विपक्ष का एजेंडा बना। जी बताया ये भी जा रहा है कि जो वहां पर कॉल ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये बाहर से लाए गए लोग हैं ताकि जो न्यूट्रल रहा जाए और किसी के साथ कोई गांठ जोड़ ना दिखाई दे इसमें। देखिए गठजोड़ की बात नहीं है, आईपीएस अधिकारी अपने हिसाब समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सवाल उनका जेन्यून था और पीछे मीडिया थी, यानी कह सकता हूँ मीडिया के सामने मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो प्रियंका चोपड़ा को अंदर ले गए, उनको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि हाईटेक व्यवस्था है, यहाँ पर हम लोग ज्यादा तूल नहीं देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और जहां तक हो सकता है मामले को मैनेज करके चलते हैं और महिलाओं के लेकर के हम गंभीर हैं। तो जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बाहर के लोग हैं, देखिए वुमेन पावर लाइन जो 10-90 की योजना जो बनाई गई थी, इससे पहले वो अखिलेश यादव की सरकार में थी और योगी सरकार ने इसको और हाईटेक किया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वुमेन पावर लाइन है इसके लेकर के जो प्रियंका चोपड़ा ने सवाल उठाया वो सवाल जायज है। अभी उन्नाव की बात कर ली जाए, कल उन्नाव में एक बलात्कार की घटना आ गई है और ये महिलाओं की जो रेप कांड है, महिलाओं के जो छेड़छाड़ कांड है, महिलाओं के प्रति जो गंभीरता है वो उत्तर प्रदेश में सरकार गंभीर है लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो इस तरीके से नहीं आ पा रहे। बिल्कुल दानिश, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार महिलाओं के प्रति गंभीर नजर आ रही है और उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क भी नजर आ रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
तो यूपी पुलिस फिर से किरकिरी हुई है और दरअसल जनपद प्रयागराज में अब दरोगा ने दावत के पैसे वापस लाने के लिए कप्तान को पत्र लिखा है। प्रयागराज के कोतवाली नगर में ही एसआरएन चौकी में एसआई रामाश्रय को चौकी इंचार्ज बनाने की खुशी में दरोगा शहशान खाने की दावत की मांग कर डाली और इस दौरान ही चौकी इंचार्ज ने पूछा कि चौकी की दावत खर्चा है और दरोगा शहशान खान 2000 मांगा लेकिन दावत नहीं हो पाई और इसी के चलते नाराज चौकी इंचार्ज ने शिकायती पत्र में पैसा वापस मांग कर दोबारा दावत करने की गुहार लगाई है और यूपी पुलिस इन दिनों दावत में मशगूल नजर आ रही है। और इसी खबर के साथ हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड दानिश वारसी लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, यूपी पुलिस फिर से किरकिरी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है यूपी पुलिस की। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कई बार सवालों में रही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर कहीं सम्मान मिलता है तो फिर कहीं किरकिरी कर डालती है। यूपी पुलिस का ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि ये दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में कि चौकियों में थानों में क्या चल रहा है और खाकी के पीछे क्या खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एसआरएन चौकी में चौकी इंचार्ज हैं रामाश्रय, जिनको चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया, तो वहां पर जो एक एसआई है शहशाह खान, जैसा कि पत्र में चौकी इंचार्ज ने लिखा है और वो कप्तान साहब को पत्र उन्होंने लिख के ये भी बताया है कि हमने जो है 2000 रुपए वहां पर चौकी इंचार्ज से एसआई शहशाह खान ने मांगे कि आपको चौकी इंचार्ज बना दिया गया, क्यों ना इसकी खुशी में चौकी में दावत की जाए। उन्होंने दावत का खर्चा पूछा, पुराने चौकी इंचार्ज एसआई शहशाह खान ने कहा कि 2000, तो 2000 की लागत में उनको चौकी इंचार्ज ने पैसा दे दिया, यानी एक दरोगा ने दूसरे दरोगा को पैसा दे दिया और उसके बाद दावत नहीं हुई। जब दावत नहीं हुई तो इससे नाराज चौकी इंचार्ज ने कप्तान को इस बात को लेकर आप बीती का पत्र लिख दिया है जो पत्र वायरल हो गया है और उस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कप्तान साहब मेरे पैसे दिलाए जाए, शहशाह खान ने मेरे पैसे ले लिए और मुझे पैसे दिलाए जाए तो मुझे पैसे दिलाने के बाद मैं दोबारा दावत कर सकूं। तो ये कैसा एक मामला चल रहा है यूपी पुलिस के लिए ये कौन सी दावतों का खेल चल रहा है? या उत्तर प्रदेश के अंदर चौकियों में जो तैनात दरोगा होंगे वो क्या स्टाफ को दावत कराएंगे और जो दरोगा होंगे उनसे एस्टिमेट मांगा जाएगा? ये कैसा खाका है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पे किरकिरी हो गई है और ये शर्मनाक भी है। और दूसरी बात, दरोगा ने साफ साफ जो पत्र में कप्तान को जो पत्र लिखा है उसमें निडरता से लिख दिया है कि हमको पैसे वापस दिलाए जाए तो हम दोबारा दावत कर सकें। क्या यूपी पुलिस को शर्म नहीं आई? क्या कप्तान साहब को कि उनके एक आला अधिकारी उनको ये पत्र लिखेंगे तो इसका क्या संज्ञान होगा? और अब जो ये पत्र वायरल हो गया है तो इस वायरल पे सरकार क्या एक्शन लेगी? और सरकार के साथ साथ जो मुखिया हैं, जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एसआई और एसओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। जब तक सही से प्रशिक्षण नहीं होगा जनता में समय से सही नहीं जाएगा, कमिश्नरेट के लागू होने से फर्क तो पड़ेगा लेकिन यूपी पुलिस के प्रशिक्षण पर सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सही से प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाए कि सदैव सुरक्षा आपका तत्पर नहीं, दायित्व नहीं, बल्कि जनता के अंदर एक मैसेज जाना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो खाकी है इसका रॉब आर्मी से ज्यादा होता है और इसका ख्याल भी मर्यादा के तहत रखना होगा। क्या चौकी इंचार्ज के इस पत्र पर कप्तान साहब कार्रवाई करेंगे या यूपी पुलिस के आला अधिकारी इसको संज्ञान लेंगे या यूपी गवर्नमेंट इसको संज्ञान लेंगे? एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने में पूरी जोर कसर लगाए हुए हैं, कमिश्नरेट को लागू किया जा रहा है, कई जनपदों का खाका तैयार हो रहा है कि कमिश्नरेट के लागू होने से कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कमिश्नरेट के लागू होने से पुलिस व्यवस्था सुधर रही लेकिन जहां पर जो प्रयागराज इतना बड़ा जोन है उस जोन में एक चौकी इंचार्ज का दूसरे चौकी इंचार्ज से दावत का एस्टिमेट मांगना, उसके बाद उस पत्र पर कार्रवाई की मांग करना, तो क्या आप पुलिसकर्मी आपस में ही खींचातान करेंगे तो फिर जनता की सुनवाई कैसे होगी? यूपी पुलिस तो इस समय दावत के मजे लेने में मस्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर पुलिस आपस में ही लड़ती रहेगी तो लोगों की समस्या कौन सुनेगा? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मुजफ्फरनगर के कोतवाली में तैनात एसएचओ आनंद देव मिश्र का भर्ता वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में पत्रकारों को गालियां दी जा रही हैं और जेल भेजने की धमकी जो है वो भी लगातार दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं जहाँ पर मुजफ्फरनगर से खबर है और जो उत्पीड़न का वीडियो है वो लगातार सामने आ रहा है और जिसमें आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोतवाली में तैनात एसएचओ आनंद देव मिश्र का ये उत्पीड़न का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और लगातार दानिश वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, जिस तरह से वीडियो सामने आया है और इसको लेकर क्या टिप्पणी सामने आ रही है?
देखिए वीडियो में जो दिख रहा है मैं उस पर ही बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाकी कहीं दावतों को लेकर के पत्र लिख रही है, कहीं अपने हिस्से को लेकर पत्र लिख रही है, और कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर किरकिरी करा रही है। सम्मान की बात की जाए तो यूपी पुलिस का सम्मान भी बहुत है, लेकिन इधर देखा जाए तो किरकिरी भी बहुत ज्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस की बात की जाए मुजफ्फरनगर के थाने की, तो मुजफ्फरनगर थाने में जो ये SHO हैं, जो इनका नाम है अनंत देव मिश्र, ये कह सकते हैं कि अनंत देव यानी कि अनंत काल से भी हो सकता हो ये आए हों। इनको यूपी पुलिस की गाइडलाइन नहीं पता है, उत्तर प्रदेश की प्रशिक्षण का शायद इनको प्रशिक्षण में कमी इनकी रह गई है। ये किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और साफ साफ ये कह रहे हैं पत्रकारों को कि खबर चला रहे हो, उसका कैमरा छीन लो, उसको ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको लात मारो। ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये खाकी एक पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक कर रही है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होता होगा? जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई जानकारी कानून की नहीं है, सभी लायर नहीं होते, सभी जर्नलिस्ट नहीं होते, और सभी पॉलिटिकल में ऊंची पहुंच नहीं रखते हैं। जो कमजोर लोग हैं, जो थाने जाते होंगे, उत्तर प्रदेश हो या भारत देश हो या कहीं की बात की जाए, तो किसी भी फरियादी या किसी भी मजलूम या किसी भी निर्दोष के पास अगर कोई सहारा होता है तो उसका लोकल थाना होता है। अगर उस लोकल थाना में फरियादी वहां पहुंचेगा शिकायत को लेकर के या अपनी समस्याओं को लेकर के, और इस तरीके से उनसे बर्ताव किया जाएगा, तो बाहर निकलने के बाद एक मैसेज जाएगा कि अगर थाने हम गए तो हमारा अपमान होगा और हम पर ही कार्रवाई होगी, हम ही जेल डाले जाएंगे। तो भ्रष्टाचारियों से लेकर के जो माफिया राज है, जो गुंडा राज है, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको भी ये मैसेज जाएगा कि पुलिस से, पुलिस खुद ही शिकायतकर्ताओं को धमकाएगी तो हम लोग के तो हौसले बढ़ ही जाएंगे। इस तरीके से लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। सूबे के मुखिया को यह बात समझनी होगी, उनको यह संज्ञान लेना होगा। ये वायरल वीडियो भले ही अमिताभ ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल से कार्रवाई की मांग, वायरल होने के बाद अभी तक जांच पड़ताल नहीं की गई है। देखिए जहां तक जानकारी मिल रही है, ये सामने आया है कि अमिताभ ठाकुर ने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, और ये भी लिखा है कि बेहद अफसोस की बात है कि अब तक इस वीडियो को संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर कार्रवाई नहीं की गई। ये एक सोचने की बात है कि वहां के जो कप्तान हैं उनको ये समझना होगा कि खाकी पुलिस का सम्मान उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनका सम्मान सूबे के मुखिया का सम्मान है, सूबे के मुखिया का सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ की मासूम निर्दोष जो पीड़ित जनता है उनका भी सम्मान है। इस तरीके के वीडियो अगर वायरल होंगे तो खौफ ज्यादा होंगे लोग, जब पत्रकारों के साथ ये हाल है तो आम आदमी का क्या होता होगा? क्या राम राज्य का संकल्प है ये या राम राज्य की स्थापना है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गंभीर हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यूपी के सीएम गंभीर हैं, यूपी के आला अधिकारी गंभीर हैं, अगर होम सेक्रेटरी की बात की जाए वो भी गंभीर है, डीजीपी की बात की जाए वो भी गंभीर है, ADG की बात की जाए वो भी गंभीर है, लेकिन जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं कप्तान से लेकर के सीओ तक, वो इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आला अधिकारी खुद अपने निचले स्तर के अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, शायद इसमें सुधार होने की जरूरत है। यूपी पुलिस के साथ साथ सरकार को इसमें प्रशिक्षण की ऐसी गाइडलाइन जारी करनी होगी कि जब किसी की तैनाती दी जाए तो उनको प्रशिक्षण इस बात का दिया जाए कि जनता जो वहां पर आ रही है, जो शिकायत करता आ रहे हैं, वो दुखियारे हैं, वो पीड़ित हैं, वो मजलूम हैं, उनको सहारा देना सबसे बड़ा उनका धर्म है। ये बात खुद गीता में कही गई है, पुराणों में कही गई है कि मजलूम को सहारा बनना सबसे बड़ा बात है। जी बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबर लखनऊ से है। लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी, और बैठक में केंद्रीय आला कमान से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें आपको कि उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो सकता है, और वहीं जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम जारी करेंगे, और फिलहाल अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा तेज रही है। अपर्णा यादव ने कल भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है, और बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शामिल होंगे, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और नई दिल्ली में शुक्रवार की बैठक के बाद शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ही तीनों प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, और 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 नवंबर है, और इसी कारण बीजेपी भी आज भी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा सकती है। और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर देर शाम 7 से होने वाली कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मेंद्र पाल सिंह और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे।
और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी। दानिश वारसी, जिस तरह से अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है, राजनीति में कितनी गर्माहट देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय राजनीतिक हलचल है वो चुनाव को लेकर के बहुत ही गंभीर है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी है उसका जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग होता है। बीजेपी जब कोई काम करती है धरातल पे करने की कोशिश करती है और पूरी तरीके से फीडबैक लेने की कोशिश करती है कि किस तरीके का नेता हमको चुनना है और कहाँ पर कौन प्रत्याशी उतारना है। ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम है और भारतीय जनता पार्टी की इसी मामले में आज शाम को 7 बजे मीटिंग होनी है, जिसमें अपर्णा यादव को लेकर के कयास लगाया जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को प्रत्याशी कहां से बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में मुलायम की बहू भी कही जाती हैं, समाजवादी पार्टी के एक परिवार के नातेदार भी कही जाती थी पहले, और अब बीजेपी से वो नेता हैं और बीजेपी से वो प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि आखिर बीजेपी में किस जगह पर किस जनपद से इनको उतारा जाए। मुझे लगता है शायद कन्नौज में डिंपल यादव को लेकर के इनको उतारने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि डिंपल यादव के प्रतिद्वंदी के रूप में शायद अपर्णा यादव को उतारने का प्रयास किया जाएगा। और अगर यह ऐसा होता है तो लड़ाई दिलचस्प होगी और पूरे उत्तर प्रदेश की फोकस सबसे ज्यादा इसी के जनपद पर होगा। जी बिल्कुल दानिश, और क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि बैठक में और किस तरह के मंथन किए जाएंगे राजनीति को लेकर? देखिए, उपचुनाव को लेकर के अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव का नाम तो आना ही है, उसके साथ साथ जो और लोग हैं उनको भी लेकर के बीजेपी मीटिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब इन मैनिफेस्टो पर काम करेगी, उपचुनाव में उसकी जीत आने वाले 2000 लोकसभा की जीत होगी और निकाय चुनाव पर भी इसका फर्क उसको पड़ेगा, जिसको लेकर के उनके पास समय कम है, काम ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भूपेन चौधरी है उनको लेकर के भी एक मंथन चल रहा है कि भूपेन चौधरी काफी ज्यादा अच्छे सलाहकार माने जाते हैं और निर्णय लेने में काफी ज्यादा ये बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। इससे ये देखना होगा कि जो भूपेन चौधरी हैं ये किस तरीके का निर्णय लेते हैं, किस किस को प्रत्याशी बनाते हैं, कौन कौन को संगठन की जिम्मेदारी जाती है, किसको स्टार प्रचारक बनाया जाता है और कहां कहां पर ये कितनी मेहनत करेंगे, ये आज शाम को तय हो जाएगा। जी जी दानिश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति के मामले में फाइल फिर से खोलने की तैयारी है। विभाग मामलों को जल्द निस्तारित करने कर दोषियों को जो है वो सजा दिलाएगा। भविष्य में ऐसे मामले सामने ना आए और इसके लिए ही सीएमओ, और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएमएस से नियुक्ति का भी अधिकार छीना जाएगा। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति को लेकर ही निर्देशक प्रशासन होंगे और इस संबंध में ही महानिदेशालय से विभाग के मुख्य सचिव पार्थ शारथी सेन शर्मा और शुक्रवार को प्रस्ताव भेजा गया और स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ही नियुक्ति में फर्जीवाड़ा होता रहा है और जिस भी मामले की जांच हुई है उसमें धांधली की पुष्टि हुई है। अब तक बलिया, मेरठ, मिर्जापुर और इसके साथ ही अंबेडकर नगर में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कहीं बिना पद की नियुक्ति कर दी गई है तो कहीं दस्तावेजों में हेरफेर कर दिया गया है और जांच के बाद कुछ की नियुक्ति निरस्त भी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ और इसी को कर पिछले दिनों इन मामलों की शासन स्तर पर ही नए सिरे से शिकायत की गई। और इसी खबर पर दानिश वारसी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है फर्जीवाड़े का, आखिर मामला क्या है, पूरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, फर्जीवाड़े को लेकर के एक रिपोर्ट शासन को पहुंची थी जिसमें साबित हो गया कि कुछ जगहों पर जो नियुक्ति हुई वो फर्जी तरीके से हुई, उनके डॉक्यूमेंट सही तरीके से चेक नहीं किए, अनियमितताओं का बोलबाला रहा, जिसको लेकर के पार्थ शेरथ जो हैं ये आईएएस हैं, ये काफी ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं। जिस विभाग में इनको जिम्मेदारी मिलती है वहां पर ये करप्शन पे कहीं ना कहीं हद तक रोक लगाते हैं और कार्रवाई इनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कार्रवाई होती है वो सत्ता के पान पर पूरी तरीके से आधारित होती है। और पार्थ जहां पर भी आईएएस रहे, इन आईएएस का एक ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही एक्टिव आईएएस हैं और किसी के मामले में शिथिलता बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय होने जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में, ये जो निर्णय है मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये स्वास्थ्य विभाग में इससे कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं, जो बदहाली है, जो करप्शन है, वो दूर होगा। जैसे कि सीएमओ सीएमएस के पास जो तैनाती का पावर होता था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, जैसे एएनएम है, आशा बहु हैं, इनको लेकर के वार्ड बॉय समेत जो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के थे वो सीएमएस और सीएमओ ही तैनात करते थे। अब जब इनसे ये अधिकार छीने जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर लेवल के अधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करेंगे तो काम भी यहाँ पे अच्छे से होगा। और जो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलता है वो हीलावाली की लापरवाही, यानी डॉक्टर सही सुनते नहीं है,
वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो मरीजों को ध्यान नहीं देते हैं, और घूसखोरी करप्शन का भी कहीं ना कहीं मामला देखने को मिलता है, जिसको लेकर के जो रिपोर्ट बनाई गई है इस पे सीएमएस और जो सीएमओ है उनसे कार्य अधिकार के क्षेत्र में एक जो पावर है वो छीना जाएगा कि कहाँ पर उनको कौन नियुक्त करना, जैसे कि वार्ड बॉय है, एएनएम है, या जो उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको तैनात करने का, ट्रांसफर करने का, नियुक्ति करने का अधिकार शायद अब उनके पास नहीं होगा। और इसमें जो लोग शामिल पाए गए थे इस रिपोर्ट में उन पर भी कार्रवाई होनी तय है कि दो दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, कौन बर्खास्त होगा। जांच के बाद कुछ की नियुक्ति निरस्त हुई है लेकिन जो जिम्मेदार अफसर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए अभी इसकी रिपोर्ट पे जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इस पे कार्रवाई शुरू हुई है, ये रिपोर्ट की संस्तुति बनाई गई है, और आईएएस जो पार्थ शेर साथी हैं ये काफी ज्यादा एक्टिव माने गए हैं, इनकी कार्रवाई पिछले परिवहन विभाग में भी बढ़िया मानी जाती थी और अभी स्वास्थ्य विभाग में। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जल्दबाजी करना इसलिए ठीक है कि दो दिन का समय है, दो दिन के बाद ये पता चलेगा कि किस किस सीएमओ को बचाया जा रहा है, कौन कौन सीएमओ बच रहे हैं, किस पर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के मीडिया के बीच पर नजर रहेगी। आप ये सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस और सुशासन का एक मैसेज जाएगा, सीएमओ के साथ सीएमएस के साथ एक ये भी मैसेज जाएगा कि अब जो नियुक्ति और जो ट्रांसफर का जो इनका अधिकार है वो पावर इनके तहत छीन लिए जाएंगे, तो अब सही से काम हो सकता है। यानी अगर कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई तत्काल लखनऊ से मॉनिटरिंग शासन से होगी। बिल्कुल दानिश, कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपराधी को पकड़ने के विवाद में ही उत्तराखंड में हुई फायरिंग और महिला की मौत का मामला मुरादाबाद एसएसपी को भारी पड़ गया। शुक्रवार देर रात यूपी के 11 एसएसपी के तबादले कर दिए गए, और तबादले में मुरादाबाद, गाजीपुर और उन्नाव के ही एसएसपी को हटाया गया, और वहीं बाराबंकी में तैनात आईपीएस अनुराग वत्त को सेंटर के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया है। शुक्रवार को हुए तबादलों में मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल को ही वेटिंग में रख दिया गया है। बता दें आपको कि अब मुरादाबाद के नए एसएसपी हेमराज मीणा को बनाया गया है, और इसके साथ ही गाजीपुर के एसपी रोहन बोत्रे और उन्नाव के ही एसपी दिनेश त्रिपाठी को भी वेटिंग यानी प्रतीक्षा में रख दिया गया है, और वहीं बाराबंकी के एसपी अनुराग वस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए ही रिलीव भी कर दिया गया है। बता दें आपको कि सिद्धार्थ शंकर मीणा को उन्नाव और का एसपी बनाया गया है, और ओमवीर सिंह को ही गाजीपुर का एसपी, और ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को कौशाम्बी का एसपी बनाया गया है। और वहीं निखिल की बात करें, निखिल पाठक को ही एसपी इंटेलिजेंस लखनऊ, और ब्रजेश सिंह को ही एसपी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। दिनेश सिंह को ही बाराबंकी का जिम्मेदार बना दिया गया है। और बताते चले आपको कि पिछले महीने यूपी की मुरादाबाद पुलिस बदमाशों को पकड़ने उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के भरतपुर गांव गई थी, और यहां मुरादाबाद पुलिस गांव वालों से झड़प हो गई, और जिसमें एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी, और इस मामले में ही मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल की किरकिरी हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर मुरादाबाद एसएसपी हेमंत कुटियाल को वेटिंग में रखा गया है। और इसी खबर पर दानिश वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए ट्रांसफर जब भी होते हैं वो देर रात होते हैं, देर रात की वजह ये है कि अचानक ट्रांसफर में जो नीति होती है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे फीडबैक चेक किए जाते हैं, कहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, समाज में मैसेज क्या जा रहा है, सरकार की कहाँ कहाँ किरकिरी हो रही है, और गुडविल कहाँ कहाँ पर सरकार का बन रहा है। ये ट्रांसफर नीति जब होती है तो ये महीनों की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद अचानक रात में देर रात एक आदेश आ जाता है, और जहाँ जहाँ पर जो अधिकारी होते हैं कोई प्रतीक्षारत हो जाता है, कोई नवीन तैनाती हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है। अब बात करते हैं मुरादाबाद के एसपी की। देखिए मुरादाबाद में जो फायरिंग हुई थी उत्तराखंड में, उसमें जो ब्लॉक प्रमुख थे उनकी पत्नी की उसमें डेथ हो गई थी, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस ने सीधे यूपी पुलिस पर आरोप लगा दिए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई थी। इसमें यूपी पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, किसी की निर्दोष की जान चली गई। अपराधी को पकड़ने के लिए मुरादाबाद पुलिस जब उत्तराखंड पहुंची तो वहां पर किसी निर्दोष की जान चली गई, तो एक महिला जो ब्लॉक प्रमुख की पत्नी थी उसको लेकर की काफी विवाद हुआ था, और उत्तराखंड पुलिस ने सीधे सीधे यूपी पुलिस पर यह आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस इसमें नामजद होनी चाहिए, यूपी पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के मुरादाबाद एसपी की यह लापरवाही सामने आई थी। शासन से जब रिपोर्ट आई तो मुरादाबाद के जो एसपी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिली कि जब मुरादाबाद की पुलिस उत्तराखंड पहुंची तो क्या उत्तराखंड की पुलिस को सूचित करना उनका दायित्व नहीं था, क्या वहां के थाने से लेकर के वहां कप्तान को सूचना देना उनको उचित नहीं था? लेकिन ऐसा उन्होंने मुरादाबाद की पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया, और आनंद फानंद में अपराधियों को पकड़ने के लिए फायरिंग झोंक दिया।
फायरिंग की, पुलिस की गोली निकली, बुलेट निकल के किसी मासूम निर्दोष महिला को लग गई, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। क्या सरकारी गोली से किसी निर्दोष की हत्या पर कोई जवाब दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि जिसकी जान चली गई वो वापस नहीं होगी। आप किसी का ट्रांसफर हो या पोस्टिंग हो या सस्पेंड हो, किसी की जान वापस नहीं आनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस को प्रशिक्षण की जरूरत है, इसमें लेकर के मुरादाबाद के एसपी की लापरवाही सामने है, इसलिए उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। जी दानिश, जी दानिश, बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, खबरें आगे भी हैं। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा को लेकर कैबिनेट में पास प्रस्ताव को शासन ने लागू कर दिया है और माध्यमिक निर्देशक स्कूल शिक्षा को लेकर अब माध्यमिक बेसिक दोनों शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वे माध्यमिक शिक्षा के ही अधीन सभी निर्देशालयों का भी काम देखेंगे और उन्हें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा को लेकर कैबिनेट में पास प्रस्ताव को शासन ने लागू कर दिया है और माध्यमिक निर्देशक स्कूल शिक्षा को अब माध्यमिक और बेसिक दोनों शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि अब वे माध्यमिक शिक्षा के अधीन सभी निर्देशालयों का भी काम देखेंगे और उन्हें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष माना जाएगा। तो लगातार दानिश वारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, जैसे कि बताया जा रहा है कि अब वे माध्यमिक शिक्षा के अधीन सभी निर्देशालयों का भी काम देखेंगे और इसके साथ ही उन्हें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष माना जाएगा। देखिए, एक आईएएस को कई के विभाग की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। कुछ ऐसे आईएएस भी हैं जो एक विभाग को नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एक साथ कई विभागों को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। सरकार का देखिए, ये निजी मामला होता है, सरकार का ये निजी दायित्व होता है कि वो किसको कौन से चार्ज देगा, कितने देगा, ये सरकार का अपना निजी मामला है और सरकार का एक अपना वीटो पावर है। बात दरअसल जब की जाए कि बेसिक शिक्षा विभाग का जो चार्ज संभाला गया है, इसमें माध्यमिक और बेसिक दोनों को एक कर दिया गया है, तो अब दोनों को ये संभालेंगे आनंद, जो कि डीजी माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बनाए गए, ये दोनों को संभालेंगे और आनंद को एक अच्छा आईएएस माना जाता है। और देखना ये होगा कि जो बेसिक शिक्षा विभाग को माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो कंबाइंड किया गया है, क्या उन कंबाइंडों में जो एग्जाम की डेट्स होती हैं, जो तिथि आती है परीक्षा की, तो क्या उन पे छात्रों का बोझ हल्का होगा, या जो उनके परिजन हैं उनके लिए कितनी राहत भरी खबर होगी, उनके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या एग्जाम सेंटर भी एक ही दिन बनेंगे, क्या एक ही जगह बनेंगे, या इसको लेकर के जो एक संशय बना हुआ है अभी, वो मुझे लगता है कि परिजनों के साथ साथ जो छात्र हैं उनका बोझ कहीं ना कहीं कम होगा। और जो दो दो चार्ज दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, जो डीजी हैं या बेसिक शिक्षा विभाग के, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है कि जब दोनों विभाग को जब एक ही में हो गए हैं तो एक ही अधिकारी दोनों को देख सकता है, ये भी एक सच है और देखना लाजमी भी है। अगर वो अच्छे से देखते हैं, इसको संभालते हैं, तो छात्रों के भविष्य पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। छात्रों के कौन कौन से जो डिप्रेशन का छात्र शिकार होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट में छात्र जब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो बेचारे डिप्रेशन में, कहने की सुसाइड की घटना भी देखने को मिलती थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन जारी करी कि शिक्षा विभाग में कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ चीजों को हल्का किया जाए। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है और जो बेसिक शिक्षा परिषद है, दोनों बोर्डों को एक कर दिया गया है, तो दोनों बोर्डों को आप डीजी आनंद संभालेंगे और ये कितना संभालेंगे, कितना कार्य गुजरेंगे, ये आने वाली परीक्षा के समय के दौरान पता चल जाएगा। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी अपडेट देने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है और उसके झूठ के कारोबार से पर्दा उठने लगा है। प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष की सीटों पर दाखिले में कथित अनियमितताएं को लेकर ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा कर दिया है कि आयुष घोटाला तो महज एक गिनती है और पर्दा उठने पर ना जाने कितने घोटाले जो है वो सामने आएंगे। बीजेपी के माथे पर लगे कलंक के टीके छिपने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष की
सीटों पर ही प्रवेश को लेकर एक बड़ा गोरख धंधा चलता रहा है और बीजेपी सरकार इससे अनजान बनी रही है। उन्होंने दावा किया है कि नीट में शामिल हुए बगैर सैकड़ों छात्रों के दाखिले आयुर्वेद, यूनानी और इसके साथ ही कॉलेजों में कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काउंसलिंग का ठेका जिस कंपनी को दिया गया उसने अपनी जिम्मेदारी दूसरी कंपनी को बांट दी। और यादव ने यह दावा किया कि सरकार अपने बचाव में निलंबन है और जांच बराखस्ती और इसके साथ ही बहाने बनाकर जनता को गुमराह करने में लगी है, जबकि ये बात स्पष्ट है कि आयुर्वेद कॉलेजों में प्रवेश संबंधी बड़ी हेराफेरी बिना ऊपरी संरक्षण के संभव नहीं है और जांच करने वाले छोटे कर्मचारियों को ही निशाने पर ले रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती 22 नवंबर को मनाएगी। आपको बता दें कि पार्टी ने सभी जिलों में मुलायम का जन्मदिन सादगी के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं और सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने ही बताया है कि हर जिले में पार्टी के प्रत्येक कार्यालय में नेताओं जी के चित्र पर कार्यकर्ता पुष्प अंजलि अर्पित करेंगे और इस दौरान ही कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और उनके संघर्ष को याद करेंगे और इस अवसर पर अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर, हवन पूजन, गरीबों में वस्त्र और इसके साथ ही भोजन वितरण आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने 4 नवंबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था और सांप्रदायिकता के खिलाफ और इसके साथ ही समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्ष किया है। मुलायम सिंह का निधन 10 अक्टूबर को हो गया था और उनके सपने को पूरा करने के लिए 22 नवंबर 2022 को उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।